काला ब्लॉग्स अगेन न्यू ब्लॉग के साथ से. हेलो गाइस, मेरा डेब्यू हो रहा है, मैं पहली बार आ रही हूँ. ठीक है, मानूर को कुछ हो रहा है. अच्छा, अभी हम रास्ते में हैं तो मैंने भी ब्लॉग स्टार्टिंग आई थी, बट मैंने सोचा कि अब थोड़ा इसको शुरू कर दिया जाए और अपने सफ़र को इन्जॉय कर लेगा. आइरीन पे कभी यकीन नहीं करना, और ये धोखेबाज है, बस मैं आपको बता रही हूँ. यार अगर उन्होंने कहा बुकिंग करवानी पड़ेगी तो हम सॉल्ट एंड पेपर के लिए ओ यार नहीं, बुकिंग करानी पड़ेगी तो रोना इतने बह जाने, हम नहीं कहेंगे हमें ये चलो नहीं तो मैं लेके जाती हूँ, मैं भी हो रही थी, तुम इतना डरने की जरूरत. ओके लेट्स गो, चल लो बच्चों चल लो. ऐसे हमने कहा है आपकी औकात बुफे वाली नहीं, आप ऊपर जाए यार. नहीं नहीं, हमने उन्हें बोला कि ना हम लोगों ने वाइप पसंद है और हमने बस लंच करना, हमने कोई नहीं यहाँ पे बुफे करना क्योंकि हम लोग इतना खा नहीं सकते. सो डैट्स व्हाई यार करण क्या हो गया था, हम करण को वो डील्स के जी इनको ऑर्डर करने के बाद इनको समझ नहीं आ रही खाना के ऑर्डर, तो मैंने बता दी क्या करना है. अब कोल्ड ड्रिंक्स तो तुम कर ही सकते हो ना. सैलेड कौन सा वाला, वो जो वही वाला होता है ना सच्चा ब्यूटीफुल भी यार. कौन सा वाला सैलेड यार, सिंपल सैलेड ना, ऊपर वाले की वीडियो. तो अब बारी है ऑर्डर करने की, पैसे की बारी आई रे. जी खाना ऑर्डर करने के बाद इन लड़कियों को क्या होता है, तस्वीरें लेने आती है. लड़कियाँ जाती जहाँ भी है ना वो तस्वीरें लेने के लिए जाती हैं, और इन लोगों ने अपना फोटो शूट करना शुरू कर दिया और मैंने अपना ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे लिए पिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा ब्लॉग है. दैट्स व्हाई होता है ना, पैसों को उजाड़ करना होता है. आपने हमने आज वो किया, और आइरीन तो जो फ्री की चीज़ होती है वैसे आइरीन को बहुत पसंद है. आइरीन यहाँ से बैठ के सिर्फ रोड देखना है, ये तो बेटा मेरे कार की छत पे बैठ जाती और वहाँ से आप रोड देखती थी, कोई मसला नहीं था. यकीन करो वाकई बहुत प्यारे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. बहुत ही कमाल का व्यू है, ठीक है, बहुत ज़्यादा. तूने नहीं पीना, और महानूर को चेक करें, आइरीन महानूर की क्लास लगाते हो, क्लास लगाते गाइस क्या हो रहा है यार, मैंने नहीं उठना यहाँ से, मैंने इतनी बार आज जगह ही नहीं उठ जा, सीधा रख देंगे. मैंने तो उठना ही नहीं, यही तो पहले घंटा मैंने उठना ही नहीं. आज तो खा के दिखा दे जल्दी. अच्छा जी, मेरी और उसकी हो चुकी है इमशा की लड़ाई. जैसे कि आपने देखा इमशा नाराज होकर चली गई है, तो मैं मनाने नहीं गई थी और मैं नहीं गई, आइरीन उसको मनाने गई है. तो आप दुआ करें कि इमशा वापस आ जाए, वैसे तो आई जाएगी ब्लॉग में देख लेना, लेकिन मेरी और उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी, क्योंकि मैंने उससे बोलना तो नहीं है. और उनका इंतज़ार करते 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 हमारा खाना तक आ गया यार आज. जो वो थोड़ी सी इमशा और आइरीन नजर आ रहे हैं, वो थोड़ी सी इमशा बैठी है, ये देखो मुझसे मुंह बना के मैं बैठी रहा, लेकिन मैंने नहीं बनाने जाना, कभी भी नहीं बनाने जाऊँ मैं, कभी भी ना बनाने जाऊँ. खुल गई है शफीक अहमद, और अब खाना खाते 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 आइरीन मेरी मामा होती है, जब भी मैं जवाई जाती ना आइरीन मुझे खाना डाल देती है. आइरीन बड़ी अच्छी है सामने, लेकिन इमशा की नाराजगी अभी तक खत्म नहीं. मैंने भी उसको सॉरी बोला, लेकिन वो नहीं मान रही यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकती. हेल्प मी, लोग तुम्हें कमेंट में कहेंगे बीबी कम खाना था ना. ये देखे इस बंदी को मिर्ची लग रही, खाना कम था ना.
और अभी तक हमारा खाना वैसे के वैसे पड़ा क्योंकि हम लोगों से खाया नहीं जा रहा। वो देखो बिरयानी भी वैसे के वैसे खाना खा ए इधर मुकर करा पहले से नाराज होकर चली गई है इमशा को। मैं इस व्लॉग में भी मैं उसको सॉरी बोल रही हूँ, मैंने उसको मनाया लेकिन वो नहीं मानी यार, वो नहीं मानी। एक होता है ना एक बंदे की आकड़ होते हैं, बस मैं तो हो गई हूँ इस पर, वो इस पर थी। और अब हमारा खाना जो है ना आइरीन से खाया नहीं जा रहा, सेम एयर मेरा भी बचा हुआ है। कैरन पूरी कोशिश में कि शायद खा लूँ, महानूर भी बैठी है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वाला खाती है। और हमने सोचा कि हम खाना जो है पैक करा लेंगे घर ले जाएंगे, अब यही कर सकते हैं। अभी तो हमारा ये प्लान था कि हम लोग हाइटी करेंगे। अच्छा उन्होंने जब कहा ना मैम आप कैश करेंगे कि कार्ड से करेंगे, मैं आइरीन का मुंह देख रही थी कि आइरीन तेरे साथ क्या हुआ। म्यूजिक ओ अब अरे बिल खोल लेगी। मैंने अपने से पहले मैंने किसी को बिल ना खोलूं। कैरन कह रही है बिल ना खोलो, यार खोल लेते हैं। अब अरे बिल खोल लेगी ना सारी जमा पूंजी मानूर को पकड़ाई है। हमने कहा दे बिल, मानूर की हालत देखे, मानूर की इनके पैसे दे रही है यार। इतना भी ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा ना 5,500 था, ठीक है 5,000 कह रहा ना। हाँ जो हमारे साथ अभी पता क्या सीन हुआ, आइरिन क्या पूछा था उन्होंने ना हमें पूछा, क्या पूछा था आइरिन? यार उन्होंने क्या पूछा था पता नहीं, उन्होंने हमें बोला कि ये डिश है तो आप खाएंगे तो ना। हमने कहा कि नहीं, मैंने कहा नहीं हमने नहीं करना ऑर्डर, के बाद आपके हाल आती थी। तो उसके बाद ना वो कहते हैं कि नहीं ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, नो चार्जेस। उनका अच्छा ले ले और सबके मुंह ऐसे थे कि वाओ जला वाओ। आइरिन कैसा रिएक्शन था, दीदी बेइज्जती थी। लो जी ये हमें केक मिला फ्री का केक मिला, किसी की बर्थडे थी भाई, बर्थडे किसी और की सेलिब्रेट। आइरिन तेरी बर्थडे हो गई थी, अच्छा हम आइरिन की बर्थडे आज सेलिब्रेट कर लेते हैं। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा जी तो मेरी मॉम, हम लोगों ने इनका केक खा, केक वाकई बहुत अच्छा है। मेरे दोस्तों के दिल से दुआएं निकली, खुदा उन्हें कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे जिनकी बर्थडे थी, 10 बच्चे थे। और वो भी किसके जैसे, उजाला जैसे। उनका कहना उजाला जैसे थे, मतलब मैं बस उनकी जिंदगी खराब है, उसके बाद इनका कह रही है तलाक होगी। हम वापस नहीं बल्कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, बस कर दो। ओ उसे विंडो शॉपिंग कहते हैं यार, खिड़की से खड़े होकर बाजार को देखना। खिड़की से खड़े होकर अपने बाजार को देखना। नहीं नहीं हम शॉपिंग पे वाकई जा रहे हैं, हमें घूमने फिरने इंजॉय करने, खाना घर में तुम खाना खाने के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगी। अच्छा था, बहुत अच्छा था। वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, वो मैं एक आपको अलग दूंगी जरा अपना। हाँ ट्विस्ट था तो यही ग्रुप क्यों बने, हमने भी अपने शॉपिंग के लिए आए हैं और हम लोगों के खाना का रिव्यू। अच्छा एक एक चीज़ का रिव्यू देते हैं, मैं बिरयानी का कहूँगी उसको हम 10 में से देंगे 5। मानो तुम कबाब का इतनी भी अच्छी नहीं थी, रिव्यू देना कबाब का कितने में, 10 में से कितने दोगी? 9 कबाब अच्छे थे। अच्छा आपको कढ़ाई कैसी लगी थी? 5 5 कह रहे तुम, मैं बताती हूँ। नान में हम 0 देंगे, बिल्कुल अकड़े नान थे, मुंह में खाए भी नहीं जा रहे थे। रायता भी सही था, सलाद भी सही था, और इसके अलावा बोतल तो बहुत ही बकवास थी क्योंकि उसमें गैस नहीं थी, बिल्कुल नकल थी, ऐसे बहुत ही गंदी थी। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप मुँह ना ला के अपने पैसे ज़ाया ना करें। केक का 10 out of 10 वो किसी और का केक, वो किसी और की बर्थडे थी। 10 था वाकई, हाँ वो 10 था जी, वो बहुत अच्छा था। एंड पे उसने हमारा दिल खुश किया, वरना कुछ किसी भी चीज़ ने हमारा दिल नहीं खुश किया। चली जाओ। और कपल देखो राइट, ये लोगों के कपल दिखा रहे, शर्म वाले माँ बेटा कपल है बैठे हुए। हाँ हमने देख लिया, ये बाजार में भी आके लोगों के कपल देख रही, शर्म करो। कैरन कैसी फीलिंग आई? कैरन मैंने देखा करता, कैरन को ना आगे कि हाँ भाई क्या तकलीफ है, तेनों की मसला ऐसी जो भी करिए सामने आके बोलो, कैमरे के सामने बोला करो। इसको क्या तकलीफ थी? जो कि मुझे हो रहा है अभी, इधर ही एम्बुलेंस को बुलाते।
जी तो गाइज मैं घर वापस आ चुकी हूँ और हमें बहुत मज़ा आया, और बाकी मनाल का रिव्यू मैं किसी और व्लॉग में दूंगी, वरना इसमें भी दे देती हूँ कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था यार। मतलब हमने जो वहाँ पे दिए थे ना नंबर, उसके मुताबिक ही था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पैसे ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने तो किया, हमारे तो दिमाग ख़राब थे, बस हमें था कि यार नहीं हम जाएंगे ही जाएंगे। एक होता है ना, एक बंदे को शौक होता है अपने पैसे ज़ाया करने का, वो था। और पीछे वो जो पिक नज़र आ रही है वो बाजी रूज किया, क्योंकि वो आपको हर बार जो मेरी वीडियो का एंड होता होगा उसमें नज़र आती होगी। तो आपको अपने पैसे ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा आप किसी और अच्छी जगह पर जाके खाना खा लें या किसी ढाबे पर जाके खाना खा लें, लेकिन आप मनाल पर जाके मत खाएं। ठीक है, हमने उनका खाया, हमने उनका नमक खाया, लेकिन यार जब एक चीज़ नहीं अच्छी तो नहीं अच्छी। तो मैं आपको ये गाइड करूँगी, अगर आप चाहते हैं ना कि हम मनाल में जाके खाना खाएं, तो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी भाई ने कहा था कि चलो तुम्हें उनका खाना पसंद नहीं आएगा, इतना टेस्ट नहीं है, तो वाकई नहीं था। बाकी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और दुआ कर दें कि मेरी रिमशा की दोस्ती हो जाए दोबारा से। वैसे तो यार एक छोटी सी लड़ाई, फ्रेंड्स में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है यार, कुछ भी नहीं होता, इतनी सी लड़ाई से कुछ नहीं हो जाता, हमेशा दोस्तियाँ ख़त्म नहीं हो जाती हैं। मुझे पता है हमारी दोस्ती दोबारा से, कल हमें दोबारा से ठीक हो जाना है, खुद ही उसने मुझे बुला लेना है, मैंने उसको बुला लेना है, लेकिन कोई नहीं। खैर है, मैंने आपके सामने उसको व्लॉग में बनाया भी था, मैंने बनाया था यार, लेकिन एक होता है ना कि गुस्सा होता है इंसान, ठीक है, वो गुस्से में थी, और मैं जब मैं गुस्से में होती है ना, जब मेरी ज़िद्द होती है तो मैं वो तोड़ती नहीं हूँ, और इस वजह से बस वो नाराज़ होकर गई थी कि मैं अपनी ज़िद्द पढ़ रही थी कि मैंने इस जगह से नहीं उठना, मैंने इधर ही बैठना है, क्योंकि तूने भी ज़िद्द लगाई कि तू यहाँ बैठ के पिक लेनी है, उसने पिक लेनी थी और मैं उठी नहीं, तो इस वजह से छोटी सी लड़ाई हुई थी, इतना कोई इशू नहीं था। बाकी दोस्तों में जहाँ प्यार होता है वहाँ पर बहुत सारी लड़ाई हुई, और जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार होता है वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो जिनके साथ में ज़्यादा लड़ाई होती है, इसका मतलब मेरा उनके साथ बहुत प्यार है, ठीक है। बाकी जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, आपको हमारी लड़ाइयाँ भी पसंद आई होंगी और हमारी पागलपन भी पसंद आया होगा।